Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बट क्वारंटीन में वाकई बहुत बोर हो गई हूँ मैं. खैर, आज का जो वीडियो ट्यूटोरियल है वो बड़े ही मज़े का है. लाइक आई एम गोइंग टू रिक्रिएट माया अलीज ग्लैम लुक इन ब्लैक आउटफिट लाइक आई एम वेयरिंग राइट नाउ. तो शी इज़ सच अ ग्लैम, ओ माई गॉड, बहुत प्यारी है वो माशाल्लाह से. तो मैंने सोचा कि यार जो उसने ब्लैक आउटफिट में मेकअप किया हुआ है वो थोड़ा सा रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं. लाइक इट्स अ चैलेंज फॉर मी एंड आई गेस थोड़ा बहुत ईजी मेकअप उसने किया हुआ है, तो मैं वो आप लोग सामने करने की कोशिश करूँगी. तो गाइस, ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले आप लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आप लोग की टाइमलाइन पे शो होती रहे. ठीक है, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. और आप लोग मुझे ये भी बता सकते हैं कमेंट्स में कि मेकअप से रिलेटेड मैं और कौन कौन से लुक करूँ आप लोग के लिए, जो आप लोग देखना पसंद करते हैं, तो मैं वो ज़रूर आप लोगों के लिए करूँगी. और अगर कोई सवाल है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके जवाब दूँगी. एंड दूसरी बात ये कि हाँ, बस यही है सब कुछ. चलते हैं अपने मेकअप की तरफ. तो गाइज, एज यूजुअल मॉइस्चराइज़र एंड सीरम, ये दोनों तो मेकअप से पहले यूज़ करने करने हैं, जैसे मैंने हर वीडियो में बताया आपको. तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मेकअप पे आते हैं. ठीक है, ये मैं अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र. और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ सीरम, ताकि स्किन मेरी ज़्यादा डैमेज ना हो मेकअप की वजह से. तो गाइस, हमने जल्दी जल्दी सीरम यूज़ कर लिया है और क्या कहते हैं, अब हम अपनी आईज़ करते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम अपना आई मेकअप करेंगे एंड देन उसके बाद फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करेंगे. तो गाइस, मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का, अगर मेरा कैमरा फोकस कर पाए, मेबेलिन का फिट मी कंसीलर है. ठीक है, वो अभी मैं यूज़ करूँगी अपनी आईज़ पे. जल्दी जल्दी से हम इसको अपनी आईज़ पे यूज़ करते हैं और अब मैं इसको ब्लेंड करूंगी जल्दी से. आपने देख लिया, मैंने अपनी आईज फिनिश कर ली हैं. अब मैं थोड़ा सा इसको कॉम्पैक्ट पाउडर से फिनिश करूंगी. ये मैंने फिनिश कर ली अपनी आईज. ठीक है, अब हम करते हैं अपना आई मेकअप. हाँ जी गाइज, तो अब आते हैं अपने आई मेकअप पे. और जो मैं पैलेट यूज़ करने वाली हूँ वो है मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये वाली. ठीक है, और इसका इंटीरियर भी मैं आपको दिखा देती हूँ. ये देख, ये है. तो ये शेड्स हैं सारे जो मैं लाइक इसमें से कुछ यूज़ करूँगी अपनी आईज पे और कोशिश करूँगी कि उसके मायाली जैसा लुक हो जाए. लाइक मैं पागल लग रही होंगी इस वक्त, लेकिन आई एम सो क्रेजी अबाउट हर, मुझे बहुत पसंद है वो. लाइक वो होते हैं ना डाई हार्ट फैन जो होते हैं, मैं वो उसकी. खैर, तो गाइस सबसे पहला शेड जो मैं यूज़ करने लगी हूँ वो है ये वाला. ठीक हो गया, थोड़ा सा यहाँ देख के करूँगी क्योंकि कैमरे में पता नहीं चलता इतना. फर्स्ट शेड मैंने अप्लाई कर लिया है. जो मैं सेकंड शेड अप्लाई करने लगी हूँ वो है ये वाला. ठीक है, थोड़ा सा डार्क शेड है तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क लुक दूंगी. और वो भी आप अपनी क्रीज पे यूज करेंगे ये डार्क शेड. लाइक बड़ा ही सॉफ्ट सा और प्यारा सा ब्राउन, आपने उसे ब्राउन शेड को आपने ब्लेंड करना है. ज़्यादा डार्क भी नहीं रखना और ज़्यादा लाइट भी नहीं रखना, यानी दरमियाना सा रखना है.
अब जो है गाइस, मैं यूज़ करने लगी हूँ मिस रोज़ का मस्कारा, ठीक है। और लाइनर अप्लाई नहीं करूँगी मैं, क्योंकि उसने जो है लाइनर अप्लाई नहीं किया हुआ। अच्छा, ये बड़ा हाई डेफिनेशन मस्कारा है, मैंने थोड़ा सा यूज़ किया और मेरी लैशेज इतनी ज़्यादा इन्हेंस हो गई हैं। ब्राउज फिलअप करने के लिए मेरे पास मुआ की जो है ब्राउ किट है, वो मैं यूज़ करूँगी, ठीक है। अब मैं जो है इसको स्पूली ब्रश से जो है ब्लेंड करूँगी अपने ब्राउज को। अब मैं कंसीलर से थोड़ा और डिफाइंड लुक दूंगी अपने ब्राउज को। ठीक हो गया गाइस, अब मैं इसे थोड़ा सा ब्लेंड करूंगी। और अब गाइस, मैं हाइलाइटर अप्लाई करूंगी अपनी आईज पे, और वो हाइलाइटर ये वाला शिमर है ये थोड़ा सा, तो एज अ हाइलाइटर मैं इसे यूज करूंगी, ठीक हो गया। अपनी ब्राउ बोन पे करूंगी और इनर कॉर्नर ऑफ द आई पे। अब जो है गाइस, मैं ब्लैक कलर का शेड जो है अपनी अंडर आईज अप्लाई करूंगी थोड़ा सा, ये वाला शेड अप्लाई करूंगी। बी क्यूट की मेरे पास काजल पेंसिल है, जो मैं अप्लाई करने लगी हूँ अपनी आईज पे, अंडर आईज। तो गाइस, मैंने काजल पेंसिल अप्लाई कर ली है और अभी जो मैं यूज़ करने लगी हूँ वो है फाउंडेशन, ठीक है। अच्छा, जो मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ वो है मसरत मिसबा की फाउंडेशन, ठीक है। इसको मैं अभी अपने फेस पे अप्लाई करके ब्लेंड आउट करूँगी। तो ये बहुत अच्छी फाउंडेशन है, फुल कवरेज फाउंडेशन है, और ये किसी भी स्किन पे यूज हो सकती है। इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, लाइक ये ज्यादा केकी भी नहीं है, और ये बहुत अच्छी, मतलब कि बेस्ट फाउंडेशन है। अब गाइस, मैं इसको स्पंज से जो है टैप करूंगी और ब्लेंड करूंगी। मैंने अप्लाई कर लिया फाउंडेशन, और अब मैं अप्लाई करूंगी मेबेलिन का फिट मी कंसीलर अपनी अंडर आईज यहाँ पे। अब हम चलते हैं अपने कंटूरिंग की तरफ, ठीक है। बहुत ही जल्दी जल्दी और बहुत ही इजी लुक जो है मैंने अभी किया है, और ये आप लोग भी आसानी कर सकते हैं, ठीक है। कंटूरिंग स्टिक जो है मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने लोकल मार्ट से ली है, तो इसमें इसका नाम लिखा हुआ नहीं था, जस्ट ऐसी ही मिली मुझे, तो फिर मैं इसको अप्लाई करती हूँ।
सेटिंग पाउडर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है बनाना बेन आई का सेटिंग पाउडर है, ठीक है, और वो अभी मैं अपने अंडर आईज यूज़ करूँगी। गाइस जो मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ वो है मिस रोज़ का ब्लश, ठीक है, और इसको जो है अभी मैं अपने चीक्स पे अप्लाई करूँगी। ठीक है, अब बारी है हाइलाइटर की, और सबसे बेस्ट पार्ट होता है वो तो हाइलाइटर, तो अभी हाइलाइटर यूज़ करती हूँ मैं, और जो हाइलाइटर है वो भी मिस रोज़ का है, ठीक है, तो इस शेड में है। गाइस हाइलाइटर भी अप्लाई हो गया है, और लास्टली जो है अभी मेरा फेस कंप्लीट नहीं लग रहा, लाइक पता नहीं क्या लग रही हूँ मैं, लेकिन लास्ट जो है वो है लिपस्टिक, ठीक है, और लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद फिर देखिएगा आप लोग। अच्छा गाइस जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है लिपस्टिक रिवाज की, लाइक इसमें जो शेड लिखा हुआ है वो है 14, तो वो अगर आप मार्केट से आपको अवेलेबल मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने लोकल मार्ट से ही ली है, तो मैं अप्लाई करती हूँ अब इसे। तो मैंने अप्लाई कर ली है लिपस्टिक, और लास्टली जो मैं यूज़ करूँगी वो है मैक का सेटिंग स्प्रे, ठीक है, मैंने अप्लाई कर लिया है सेटिंग स्प्रे, और ये थोड़ा सा सूख जाए जल्दी से, तो हम अपने इयररिंग्स पहनते हैं, ठीक है, और इयररिंग्स मुझे माया वाली जैसे लाइक मिले नहीं, तो मेरे पास जो इससे इस ड्रेस के साथ सूटेबल थे वो मैंने ले लिए और मैं पहन रही हूँ। ठीक हो गया गाइस, हाँ जी गाइस आई एम डन विथ माई मेकअप लुक, एंड आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि मैंने माया अली जैसा लुक किया या नहीं किया, लाइक आप मेरा मेकअप देख सकते हैं यहाँ से। तो आप बताएं मुझे मैंने कैसा मेकअप किया है, और लाइक मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यार। तो आई होप गाइज आप लोग को मेरा लुक पसंद आया हो, और क्योंकि मुझे तो खुद बहुत अच्छा लग रहा है, तो गाइज मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, ठीक है, और कमेंट करना ना भूलेगा। तो गाइज अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।